अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ हूँ। चलिए आप रेसिपी की तरफ आते हैं। आज मैं आप लोगों को रशियन सलाद बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है। जिसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, क्वार्टर कप हम लोगों ने लिया है मटर, बॉयल कर लिया है। क्वार्टर कप हमने गाजर लिया है, वैसे दो अदद गाजर थी। एक सेब ले लिया, उसको हमने क्यूब्स की शक्ल में ऐसे काट लिया है। एक आलू लिया है, उसको हमने इसी तरह ही काट लिया है। और एक कप मैक्रोनीज हमने बॉयल कर लिया है। और तीन चम्मच बड़े वाले हमने फ्रेश क्रीम ली है। और तीन चम्मच हमने मायनीस लिया है। वन टीस्पून चीनी है हमारे पास, और क्वार्टर टीस्पून हमारे पास ब्लैक पेपर है, और हसबे जायका हमारे पास नमक है। चले आइए जी, अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेश क्रीम लेंगे। इसके बाद हम मायनीस डालेंगे इसमें। इसके बाद हम दोनों चीजों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। नमक और काली मिर्च, इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए कितना मज़ेदार और आसानी से हमारी रेसिपी तैयार हो गई। इसके बाद हम एक एक करके अपने फ्रूट्स डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें सेब डालेंगे। आप अपनी मर्जी से कम और ज्यादा फ्रूट को कर सकती हैं। यहाँ पे गाजर मैंने बॉयल नहीं किए, बॉयल भी कर सकते हैं, बॉयल करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा हमारा मुख्तलिफ कलर आ गए हैं, माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं। डालेंगे इसमें, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना प्यारा हमारे पास तैयार हो गया हमारा रशियन सलाद। हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। सब स्टेप आपने इसी तरह ही फॉलो करने हैं जिस तरह मैंने किए, कोई भी स्किप नहीं करना। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा रशियन सैलेड तैयार हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना प्यारा हमारे पास रशियन सैलेड रेडी हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।